गाइस, दिस पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैंने बहुत सारे मास मीडिया स्टडीज से रिलेटेड और जर्नलिज्म से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ वो चेकआउट करिएगा। और आज का टॉपिक है मोबाइल जर्नलिज्म पे। पहले तो मैं आपको बता दूं मोबाइल जर्नलिज्म होता है। मोबाइल जर्नलिज्म को मोजो भी कहा जाता है। मोजो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोबाइल जर्नलिज्म। मोबाइल जर्नलिज्म एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है जिसमें आप शूट, एडिट, रिकॉर्ड और अपलोड आपके स्मार्टफोन से करते हैं। आप अपना स्मार्टफोन यूज करके पूरी न्यूज कवर करते हैं, उसे हम मोबाइल जर्नलिज्म बोलते हैं। अगर आप मोबाइल से एक स्टोरी कवर कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज आप जो टेलीविजन पे देखते हैं, जब हम आज तक पे या कोई भी न्यूज चैनल पे न्यूज देखते हैं, मेजरली ट्रेडिशनली अक्सर न्यूज कैसी की जाती है कि कैमरामैन उसे रिकॉर्ड करता है रिपोर्टर के साथ जाके, फिर वो जो फुटेज होती है वो स्टूडियो में जाती है, न्यूज रूम में जाती है, एंड देन वो न्यूज अपलोड होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल जर्नलिस्ट क्या करता है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके पूरा स्टोरी रिकॉर्ड करता है, उसको अपने फ़ोन पर एडिट करता है, और वो जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जैसे आज तक का एक मोबाइल व्हाट यू से सोशल मीडिया चैनल होता है, उस पर वो अपलोड कर दी जाती है। तो उसे हम मोबाइल जर्नलिज्म बोलेंगे, जहाँ पर एक व्यक्ति सभी काम कर लेता है, कैमरा पर्सन का काम, एडिटर का काम, और वो अपने सीनियर को परमिशन लेके अपलोड भी कर देता है। अब अगर आप देखें, आज के समय में इतना इम्पॉर्टेंट है हर एक जर्नलिस्ट को मोबाइल जर्नलिस्ट होना, एक जर्नलिस्ट मोजो होना, क्योंकि अब जैसे कि कोरोना चल रहा है, हम टीम में काम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति अकेले ही जाता है शूट पे, शूट करता है, इंटरव्यू करता है, वापस आता है और अपनी स्टोरी अपलोड करता है, वो ऑफिस भी नहीं जा सकता। अब ये तो हालात हुए, बट अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो फॉर श्योर और बाय डिफॉल्ट आपको मोबाइल जर्नलिस्ट होना ही पड़ेगा। आपको मोबाइल पे आपकी स्टोरी रिकॉर्ड करनी, एडिट करनी आनी ही पड़ेगी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है हर एक चैनल की। सो आप इतना याद रखिए, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो ये पहला स्टेप होगा कि आप अपने आप को एक मोबाइल जर्नलिस्ट बनाइए, बाकी चीज़ तो हो ही जाएंगे। बिकॉज चाहे आप न्यूज़पेपर में अप्लाई करें कल को या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल में, अगर आप वेल इक्विप्ड हैं मोबाइल जर्नलिज्म से, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं कि ये पॉपुलर क्यों है। देखिए, आज के टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो माध्यम है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, वो बहुत ही पॉपुलर हो गया है। और ये माध्यम ऐसा है कि इस पे इंस्टेंट स्टोरीज चाहिए होती है। जितना ज़्यादा हम स्टोरीज डालते रहें, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा प्लेटफॉर्म, उतना लोग देखते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पेजेस, जो फेसबुक वगैरह है, इस पे जो न्यूज़ मीडिया चैनल्स हैं वो बार बार हर एक घंटे दो घंटे बाद स्टोरीज अपलोड करते हैं। कुछ ब्रेकिंग होती है, कुछ जनरल न्यूज़ होती है। जब इतनी सारी स्टोरीज करना होता है तो आप समझ सकते हैं दैट कि हमें वो इंस्टेंट चाहिए। मोबाइल जर्नलिज्म से क्या हुआ है कि ये रिपोर्टर्स के लिए और जर्नलिस्ट लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। कि पहली चीज़ इंडिपेंडेंसी। अगर आप मोबाइल जर्नलिस्ट हैं तो आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आपको चार लोग नहीं चाहिए आपकी स्टोरी के लिए। पहली चीज़ आप ही ने सारा काम कर लिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वन मैन आर्मी शो है, कि एक ही बंदा सारा काम कर लेता। दूसरी चीज़ ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप मोबाइल जर्नलिस्ट हैं तो आप किसी भी जगह से आपकी स्टोरी अपलोड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है आप किसी भी समय पे किसी भी जगह से अपने कंफर्ट जोन में स्टोरी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको काफ़ी समय मिल जाता है कि आप अपनी स्टोरी पे काम करें। सेकेंडली, आप मोबाइल पे काफ़ी सारा चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि ग्राफिक्स हुआ, या फिर अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो कि एडिट के दौरान आप कर सकते हैं। तो ये कन्वीनियंस मोबाइल जर्नलिज्म आपको देता है। चौथा पॉइंट है मिनिमलिस्टिक। अब मिनिमलिस्टिक का मतलब होता है कम से कम चीज़ों में। अब आपको, अगर आप मोबाइल जर्नलिस्ट हैं तो आपको क्या चाहिए, एक स्मार्टफोन, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, और आप खुद और आपकी स्टोरी।
बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है। आपको कैमरामैन नहीं चाहिए, कैमरा नहीं चाहिए, आपको ट्रैवल करने के लिए गाड़ी नहीं चाहिए कहीं पहुंचने के लिए, आप वो मिनिमल चीज़ों में कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है वाइडर रीच। इसका मतलब है कि पहुंच बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप सभी फेसबुक सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब माध्यम भी हुआ, अब इसका क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम पे कहीं भी बैठे हुए सफ़र करते हुए भी देख सकता है, उसमें टाइम बाउंड नहीं होता। इसलिए अगर कोई ब्रेकिंग होती है और वो सोशल मीडिया के दौरान अपलोड कर दी जाए, या तो जर्नलिस्ट के पर्सनल फेसबुक पे, या तो वो जिस चैनल या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वहाँ से वो अपलोड कर दी जाए, तो बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सकती है। सो इसे हम कहते हैं वाइडर रीच। आखिरी पॉइंट ये है कि मोबाइल जर्नलिज्म क्या करता है कि बहुत ही कम समय में लाइक सेव लॉट ऑफ टाइम एफर्ट एंड रिसोर्सेज। अगर ये सारी चीज़ें लिमिटेड में हो जाए, मतलब बचाई जा सके, तो ये तो चैनल के लिए फ़ायदा ही हुआ ना। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मोबाइल जर्नलिज्म समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि मोबाइल यूज़ करके जो स्टोरी कवर की जाती है उसको मोबाइल जर्नलिज्म बोलते हैं। सो गाइज, ये मेरा पहला वीडियो था मोबाइल जर्नलिज्म पे। मैं हर थर्सडे को मोबाइल जर्नलिज्म से रिलेटेड वीडियोस डालूंगी। आप प्लीज़ मेरा चैनल देखते रहिएगा फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।